देखिए जब आपका एग्जाम होता है तो ज्योमेट्री में सबसे पहले तो आपको यहां एक्चुअली में जो चीज पर ध्यान रखना है ये चीज यहां पर लिखा हुआ है वट इज दैट बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशन पूछा जा सकता है आपको वट इज लीनियर पेयर एग्जियम ये एग्जाम में पूछ सकता है या इसका अप्लीकेशन पूछ सकता है तो लीनियर पेयर एग्जियम अगर कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे इफ एट अ पॉइंट ऑन अ लाइन वन और मेनी रेज स्टैंड द सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज इक्वल टू वन एट्टी डिग्री या लीनियर पेयर प्लस एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन का कंबाइंड स्टेटमेंट है अगर पेयर कहेंगे तो सिर्फ लिखेंगे स्टैंड ऑन वन साइड ऑफ लाइन ऑन अ पॉइंट ऑन इट द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू वन एट्टी तो बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशन में फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहते हैं उस पर बेस्ड कैलकुलेशन एग्ज़ाम्स में पूछ सकता है फिर डिग्री मिनट्स के रिलेशन प्लस कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री का नॉलेज पूछ सकता है फिर आप आए पेयर्स ऑफ एंगल्स के बारे में जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स और एडजस्टेंट एंगल्स के के बारे में पूछ सकता है पैरल लाइन्स पर हैं तो आपको पैरल लाइन्स में एंगल्स कैलकुलेट करने दे सकता है या पैरल लाइन के एग्जियम को यूज़ करके बाकी थ्योरम्स भी पूछ सकता है कि प्रूव दैट इफ़ पेयर ऑफ पैरल लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाई अ ट्रांसवर्सल्टरनेट एंगल्स एंगल सम प्रॉपर्टी में एक ट्रा एंगल के तीनों एंगल का सम क्यों वन एट टी होता है तो ये सब तो आप आराम से कर लेंगे तो यही सम्री हुआ इस चैप्टर का